आकाशवाणी जलंधर खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला खास खबरां। इसरो दा मिशन गगनयान सफलता नाल शुरू होया। इसने इन फ्लाइट अबॉर्ट वक्रे होण अते क्रू मॉड्यूल नूं वापस प्राप्त कीते जाण दी परख कीती ए। मध्य प्रदेश विधानसभा चोणां ते छत्तीसगढ़ विच विधानसभा चोणां दे दूजे पड़ा लई नामजदगियां भरन दा अमल शुरू हो गया। बीजेपी अते कांग्रेस ने मध्य प्रदेश अते राजस्थान लई उम्मीदवारां दी सूची जारी कर दित्ती ए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस यादगारी दिवस दे मौके ते नवी दिल्ली च राष्ट्रीय पुलिस यादगार विखे शहीद सैनिकां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। इस मौके पंजाब दे वख-वख जिलिआं च पुलिस वल्लों समागम कराए गए। ते मर्दां दे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विच श्रीलंका ने लखनऊ च नीदरलैंड नूं 5 विकटां नाल हरा दित्ता है। इंग्लैंड ते दक्षिणी अफ्रीका विचकार मैच जारी है। दक्षिणी अफ्रीका ने इंग्लैंड नूं जित वास्ते 400 दौड़ां दा टीचा दित्ता है। भारतीय पुलाड़ खोज संस्था इसरो ने अज सवेरे देश के पहले मनुख सहित जाण वाले पुलाड़ मिशन गगनयान के यात्रियों सुरक्षित कड्डण के सिस्टम की सफल परख की। तरल ईंधन वाला इको स्टेज के टेस्ट वाहन TV-T1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो उड़ान भरी। इस ते देश ही तैयार क्रू एस्केप सिस्टम लग्या है जो कि भारतीय पुलाड़ यात्रियों की सुरक्षा लिए अहम है। इस परख विच इस मिशन दौरान इस्तेमाल होने वाली मोटरां दी तस्दीक की गई। इसरो दे चेयरमैन एस सोमनाथ ने मिशन नूं कामयाब करार दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि TV-D1 टेस्ट फ्लाइट की उड़ान भारत नूं देश दे पहले मनुखी उड़ान प्रोग्राम गगनयान नूं हकीकत दा रूप देण दे एक कदम होर नेड़े ले आई है। श्री मोदी ने इसरो दे विज्ञानियों नूं सफलता लई वधाई दित्ती। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चंद्रयान-3 दे सफल लांच तों बाद भारत पुलाड़ खेत्र दे विच अपनी अगली वड्डी पुलांग पुट्टण लई तैयार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां सफलता अते प्राप्ति दे इस अहम मौके ते भारतीय विज्ञानियां अते नागरिकां नूं वधाई दित्ती। परमाणु ऊर्जा अते पुलाड़ राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अज सवेरे अबॉट मिशन 1 दी टेस्ट उड़ान दी सफलता मिशन गगनयान दे अंतिम लांच तों पहला लगातार लड़ीवार परख उड़ाणा दी शुरुआत करदी ए। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं डॉ सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन विच मनुखी सुरक्षा सब तों अहम है। मध्य प्रदेश विधानसभा चोणां दे इको गेड़ अते छत्तीसगढ़ दीआं विधानसभा चोणां दे दूजे गेड़ लई अज नामजदगियां भरन दा अमल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश विच सारे 230 हल्कियां लई अते छत्तीसगढ़ विच कुल 90 तों 70 हल्कियां लई नामजदगियां दा आखरी दिन इस महीने दी 30 तरीक होगी। दोहां राज्यां दे इन्हां विधानसभा हल्कियां च अगले महीने दी 17 तरीक नूं वोटां पैणगियां। दोवां राज्यां विच इन्हां सीटां लई नामजदगियां दी पड़ताल इस महीने दी 31 तरीक नूं होएगी जदकि उम्मीदवारी वापस लैण दा आखरी दिन अगले महीने दी 2 तरीक है। अज मिजोरम विच विधानसभा चोणां ते छत्तीसगढ़ विच विधानसभा चोणां दे पहले गेड़ लई नामजदगियां दी पड़ताल दा वी दिन है। उम्मीदवार सोमवार तक अपने नां वापस लै सकदे ने। मिजोरम विच सारे 40 हल्कियां ते छत्तीसगढ़ विच कुल 90 विचों 20 हल्कियां विच अगले महीने दी 7 तरीक नूं वोटां पैणगियां। मध्य प्रदेश विधानसभा चोणां लई बीजेपी ने अज अपने 92 उम्मीदवारां दी 5वीं सूची जारी कर दित्ती। 92 उम्मीदवारां विचों 12 औरतां ने। पार्टी ने ग्वालियर पूर्वी सीट लई उम्मीदवार माया सिंह दा ऐलान कीता जदोंकि उमा खटिक हट्टा सीट तों चोण लड़नगे। प्रतिमा बागड़ी अते राधा सिंह गैराव अते चितरांगी सीट तों चोण लड़ रहे ने। नरेंद्र सिंह कुशवाहा पिंड सीट तों चोण लड़नगे। मध्य प्रदेश दीआं 230 सीटां ते 17 नवंबर नूं वोटां पैणियां ने ते 3 दसंबर नूं वोटां दी गिणती होएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दलेर पुलिस मुलाजमां कारण पिछले दहाके च दहशतगर्दी अतवादी हमलिया अते नक्सलवाद च 65% दी कमी आई है। श्री शाह ने यह गल पुलिस यादगारी दिवस के मौके ते दिल्ली च राष्ट्रीय पुलिस यादगार विखे शहीद सैनिकां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन दे बाद कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने दहशतगर्दी खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति को बनाए रखने लिए ना सिर्फ सख्त कानून बनाए ने सगों पुलिस का आधुनिकीकरण भी किया है। गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की सरहदी अंदरूनी सुरक्षा चौकस पुलिस मुलाजमान के बिना संभव नहीं है। श्री शाह ने कहा कि पिछले साल 188 पुलिस मुलाजम शहीद हुए सन और देश लई हुण तक 36,250 दलेर मुलाजमान ने अपनियां जानां वारियां ने। पुलिस यादगारी दिवस से इसका इतिहास 21 अक्तूबर 1909 नाल जुड़ता है जदों एसआई करम सिंह की अगुवाई वाली सीआरपीएफ की पार्टी ते लद्दाख के
हॉट स्प्रिंग्स विखे चीनी बलों ने हमला किया जिस विच 10 जवान शहीद हुए सन। यह दिवस 16,000 फुट की उचाई से बेहद ठंडिया स्थितियां हर तरह दौकड़ा विरुद्ध लड़ते हुए जवानों की बहादरी कुरबानी तुरलभ हौसले का प्रतीक है। इन जवानों की कुरबानी याद करने ही हर साल 21 अक्तूबर यह दिन पुलिस शहीदी दिहाड़े वजो मनाया जाता है। इस मौके पंजाब के वख-वख जिलों में पुलिस वालों समागम करवाए गए। सूबा पदरी समागम पंजाब हथियारबंद पुलिस सदर मुकाम जलंधर विखे होया जिस विच पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने देश खातिर जाना निछावर करने वाले योद्धियों को श्रद्धा के फुल भेंट किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का बहादरी और कुरबानी वाला शानमत्ता इतिहास है और बल के मैंबर ने देश की एकता कायम रखने और नागरिकों को सुरक्षा देने अपनी जाना वारिया ने। उन्होंने कहा कि सितंबर 1981 तो हुण तक सूबा पुलिस के 1797 अधिकारियों ने अपने जाना वारिया ने ते इना विच इस साल शहीद हुए 3 मुलाजम भी शामिल ने। डीजीपी ने शहीदों के परिवारों नाल मुलाकात की ते पंजाब पुलिस वालों उन्हां नूं हर संभव मदद का भरोसा दिता। इस मौके कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, कई एडीजीपीज, आईजीपीज अते होर सीनियर पुलिस अधिकारी हाजर सन। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी जलंधर तों सुन रहे हो। लुधियाना शहर के इंडोर स्टेडियम विच अज दान उत्सव मनाया गया। जिले के डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक अते नगर निगम कमिश्नर इस उत्सव के मुख मेहमान रहे। समाज सेवी जथेबंदी सिटी नीड्स अते नगर निगम ने इस उत्सव का आयोजन किया। वेरवा इस रिपोर्ट विच। लुधियाना शहर के जरूरतमंद व्यक्तियों नूं कपड़े, किताबां, खिडौने, घरेलू समान, दवाइयां अते होर जरूरी वस्तां उपलब्ध करवाना इस उत्सव का मकसद रहा। इस उत्सव दौरान शहर वासियों ने अपने घरों में वाधू पईआं जरूरी वस्तां अगे वरतों लई जिला प्रशासन नूं दित्तियां सन अते इन्हां नूं हुण जरूरतमंदां नूं दित्ता गया है। डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने कहा कि दान करन नाल व्यक्ति विच पॉजिटिव एनर्जी आउंदी है अते दान करन बारे हर किसी नूं जागरूक होना चाहीदा है। इस उत्सव विच ना सिर्फ लोकां नूं वस्तां ही दित्तियां गईआं सगों घरेलू समान रीसाइकल करन संबंधी अहम जानकारी भी दित्ती गई। समाज दे समर्थ लोकां नूं अपना समान प्रशासन नूं देण दी अपील कीती गई तां जो ए अगे होरनां दे काम आ सके। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौज का विरासत समारोह पिछले कुछ दहाकों में देश की सुरक्षा में हथियारबंद बलों की बेमिसाल बहादुरी और वडमुली भूमिका को दर्शाता देश के नौजवानों को प्रेरित करेगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में पहले भारतीय फौजी विरासत समारोह का उद्घाटन किया। 12 तो वध देशां दे नेता ते उच्च अधिकारी मिस्र दी राजधानी काहिरा विच इक विशाल पश्चिमी एशिया जंग दे वध रहे डर दे विचकार इजराइल हमास जंग नूं घट करन दे तरीकियां ते ढंग तरीके विचारन लई शांति लीग सम्मेलन लई इकट्ठे होए ने। मिस्र दे राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी विच नेतावां नूं गाजा पट्टी विच मानवतावादी तबाही नूं रोकण अते इजराइल अते फलस्तीनियां विचकार शांति दे रस्ते नूं मुड़ सुरजीत करन लई इक खाके लई समझौते ते आउण दा सद्दा दित्ता है। उन्होंने कहा कि खाके दे टीचियां विच गाजा नूं सहायता दी सपुर्दगी अते जंगबंदी लई सहमति शामिल है जिस तों बाद दोहां देशां नूं स्वीकारनयोग हल लई गलबात कीती गई। फलस्तीनी राष्ट्रपति ने अपनी शुरुआती टिप्पणी च कहा कि फलस्तीनियां नूं उन्हां दी जमीन तों जबरदस्ती नहीं कट्टिया जाएगा। इजरायली पक्ष तों किसी भी अधिकारी दी गैर हाजरी ने सिखर सम्मेलन की प्राप्त कर सकदा है इस दीआं उम्मीदां नूं ढा लई। मीटिंग विच जॉर्डन, कतर, इटली, स्पेन, ईयू अते बरतानिया दे अधिकारी वी शामिल सन पर गैर हाजर रहे अहम देशां विच इजराइल, अमरीका ते ईरान शामिल ने। अज सर्दियां दे नरात्यां दा सतवां दिन है जो कि देवी कालरात्रि दी पूजा नूं समर्पित है। मां कालरात्रि देवी दुर्गा दा रौद्र रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरात्यां दी महासप्तमी दे मौके ते कालरात्रि देवी अगे सीस नवाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अज दुर्गा पूजा दे त्योहार तो पहला दी शाम दुनिया भर विचले भारतीयां नूं वधाई दित्ती है। मर्दां दे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विच श्रीलंका ने लखनऊ विच नीदरलैंड्स नूं 5 विकटां नाल हराया है। दक्षिणी अफ्रीका ते इंग्लैंड विचकार हो रहे मैच विच दक्षिणी अफ्रीका ने इंग्लैंड नूं जित वास्ते 400 दौड़ां दा टीचा दित्ता है। आखिर च खास खबरां इक बार फिर। इसरो दा मिशन गगनयान सफलता नाल शुरू होया। इसने इन फ्लाइट अबॉट वक्रे
ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੂ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।